अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराजपुर की प्रतिष्ठित विद्वान रिटायर्ड शिक्षिका सुश्री करुणा करेचा वक्त का सम्मान उनके ही निवास तक पहुंचकर राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके ने किया। वहीं उनके द्वारा पढ़ाई हुई छात्राएं भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने शिक्षिका का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि जिन छात्राओं को उन्होंने पढ़ाया है, आज वे छात्राएं समाज में, खेल जगत, सरकारी तंत्र व ऊंचे पदों पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश है आपके लिए? मैं करुणा करेचा, रिटायर्ड शिक्षिका, आज समस्त अपनी बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पूर्ण ईमानदारी और श्रद्धा के साथ किया। और महिलाएं आज बहुत बढ़ रही हैं, और वास्तव में महिलाओं को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार और अपने कार्य को पूरी तमन्ना से करने का अधिकार है। जिस भी क्षेत्र में, जो क्षेत्र उनको अच्छा लगता है, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी कि आज अपन को, सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, और जो भी काम करें पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ करें और ईमानदारी के साथ करें, अपने देश की महत्ता को साथ में रखते हुए करें कि हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़ेगा। आज अपना देश इतना पिछड़ा है, नहीं तो आज हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, और आज भी हम उसको फिर से पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ये हमारे में क्षमता है। और एक महिला है जो कि पूरे घर को चलाती है ना, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, और लड़की के रूप में, सभी रूपों में, और बहुत ही संघर्ष उसको करना पड़ता है अपने जीवन में। आज तो खैर बहुत परिवर्तन आ गया, लेकिन मैं छोटी थी तब इतना परिवर्तन नहीं था, तो मुझे मालूम है कि हम लोगों को कितना कुछ दूसरों का भी सहन करना पड़ता था। यदि हम कोई कार्य करने जाते थे तो हमको बहुत कुछ सहना पड़ता था। तो मैं आज महिला दिवस पर यही कहना चाहूँगी, बहुत अधिक तो मैं नहीं बोल सकती, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर सभी महिलाओं से भी ये, और महिलाओं के घर वालों से भी, उनके भाइयों से भी, उनके पुत्रों से भी, कि वो अपने घर में अपनी महिलाओं का, अपने घर की जो लेडीज़ हैं, स्त्रियां हैं, उनका आत्मसम्मान करें। सम्मान बहुत ज़रूरी है, यदि सम्मान वो करना सीख जाएंगे, और स्त्रियों यानी महिलाओं से भी ये प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को बचपन से, और शिक्षकों को भी, बच्चों को बचपन से ही यही शिक्षा देनी है, लड़कों को भी, कि तुमको महिलाओं को सम्मान प्रदान करना है। यदि सम्मान प्रदान होएगा तो समस्त जो बेकार की चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी हमारे भारतवर्ष से, क्योंकि हमारी संस्कृति जो कहती है, वो संस्कृति महिलाओं को, या देवी सर्वभूते सुशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं इतना कहकर, नहीं तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, परंतु आज मेरी ऐसी क्षमता नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कह सकूँ। सबको मेरी ओर से, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को, मेरी शिष्या लोगों को, मेरे भाइयों को, है ना, मेरे पुत्रों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें।